बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मीज़ान के जो ETF है उसके बारे में एक अपडेट आई है। कार्लिन ने जो है वो एक्सचेंज में नोटिफिकेशन दी थी। पहले देखते हैं कि क्या अपडेट्स है मीज़ान ETF के हवाले से। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। मीज़ान का जो ETF है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है। चूंकि KMI 30 इंडेक्स में कुछ चेंजेस आई है, तो मीज़ान का जो ETF है वो बेसिकली KMI 30 को देखता है, उसको ट्रैक करता है। तो उसमें भी जो है ना वो फंड मैनेजर्स ने कुछ चेंजिंग किए हैं। दो कंपनियां जो हैं वो यूनिटी फूड और इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड को ऐड किया गया है ETF में, जबकि हैस्कोल पेट्रोलियम चूंकि नॉन शरिया हो गया है तो उसको निकाल दिया गया है। और सुई नॉर्दर्न भी जो है वो 30 के इंडेक्स से निकल के नीचे की रैंकिंग में आ गया है, तो इन दो कंपनियों को जो है वो निकाल दिया गया है। तो यूनिटी फूड और इंटरनेशनल स्टील्स के अब जो है वो आप ऑड लॉट्स जो है वो खत्म हो गए और आप रेगुलर काउंटर में ही जो है वो मिनिमम एक शेयर भी परचेज कर सकेंगे। टोटल अब तक जो है वो मीज़ान का जो ETF है उसमें तकरीबन 12 कंपनियां हो गई हैं, जिसमें एंग्रो जो है वो 15% है, लकी सीमेंट 14%, PSO 11%, OGDCL का शेयर जो है वो 9.4% है, EFERT 9.3%, PPL 8%, पाकिस्तान ऑयल फील्ड 7.3%, सरले 5.7%, डीजी खान सीमेंट 5.6%, मेपल लीफ 4.7%, ISL जो है वो 4.5%, अब यूनिटी फूड भी 4.5% के हिसाब से है। यानी कि अगर आप ETF का एक यूनिट लेते हैं तो इसका मींस के एक यूनिट में आपको ये 12 शेयर्स की कुछ परसेंटेज जो है वो मिल जाती है। तो ये इंडेक्स जो है वो नेक्स्ट जो वर्किंग डे है मंडे से 4 जनवरी से जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये मीज़ान के ETF के हवाले से छोटी सी अपडेट थी।